खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। इंदौर लोकायुक्त टीम ने आज खंडवा में पंधाना में कार्यवाही करते हुए एक मंडी एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पंधाना कृषि उपज मंडी में पदस्थ एएसआई सुनील वास्कले को गल्ला व्यापारी महेंद्र अग्रवाल से 13,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। वह मंडी प्रशासक एसडीएम समेत आला अफसरों के नाम से अवैध वसूली करता था। लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण कुमार बघेल के मुताबिक गल्ला व्यापारी महेंद्र अग्रवाल निवासी बोरगांव बुजुर्ग की शिकायत पर कार्यवाही की गई है। सुबह 10 बजे के करीब पंधाना कृषि उपज मंडी कार्यालय में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक सुनील वास्कले को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। एएसआई के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर मामला जाँच में लिया है। फिलहाल लोकायुक्त की कार्यवाही जारी है। ठीक है, कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ समय से परेशान किया जा रहा था मुझे, जिससे मैं मानसिक रूप से बहुत पीड़ित था। और कल मुझे और इनसे इनके द्वारा मुझसे पैसे की जो माल मेरे द्वारा अवैध तरीके से ख़रीदा गया, जिस पे मैंने संपूर्ण मंडी शुल्क दिया गया, उसको भी ये अवैध बता रहे हैं और उस पे 5 गुना पेनाल्टी लगाकर और उसमें पैसे की वसूली कर डिमांड कर रहे थे, जिसके लिए मेरे द्वारा कल पुलिस उप निरीक्षक लोकायुक्त को शिकायत की गई, जिसमें आज इनके द्वारा जो 12,000 रुपये लिए गए और उनको पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़ाया गया। आपका परिचय दे दीजिए। महेंद्र अग्रवाल, बोरगांव बुजुर्ग से हूँ और मंडी लाइसेंसी हूँ। महेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि आपके ऊपर कार्रवाई, मतलब एसडीएम और इन लोगों की तरफ, हाँ, कौन सी टीम आई थी जिसने आपके ऊपर कार्रवाई करी थी वहाँ मंडी के उप निरीक्षकों की टीम थी? कितने लोगों ने इसमें डिमांड करी थी? डिमांड इनकी 3 लोगों की डिमांड थी, शुभम सोनी, अरविंद और एक सुनील वास्कले। बताया जा रहा है कुछ बड़े लोगों के नाम लेकर भी, हाँ जी जी, यहाँ पे मंडी सचिव तो उसमें मुख्य थे ही थे, लेकिन एसडीएम मैडम के नाम से ये इनके द्वारा बार बार डराया जा रहा था कि भाई इतने लाख रुपए लगेंगे इतने हमारे द्वारा, या माल राजसात कर लिया जाएगा, माल जब्त कर लिया जाएगा। और एसडीएम मैडम का इसमें जो भी है इनके नाम से मुझे डराया धमकाया जा रहा था। सर, ये जो बताया जा रहा है कि आपके द्वारा बताया है कि जो पोर्टल जो है लेट खुला, तो हाँ, ये सभी मंडियों की समस्या है या सिर्फ पंधाना मंडी की समस्या है? मुझे बाहर की मंडियों का तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये पंधाना मंडी की तो समस्या रही है, क्योंकि हमें कोई सूचना मिली नहीं थी कि ये पोर्टल कब खुलेगा या कब बंद कर दिया जाएगा, इसकी हमें कोई सूचना नहीं थी। जो माल पोर्टल पे रह गया था उसका 1 साल के बाद में इनके द्वारा उसी माल के ऊपर जो हमारे द्वारा टैक्स दे दिया गया था उस पे इनके द्वारा 5 गुना पेनाल्टी लगाने का फिर कहा जा रहा था, और बस बोले ये कर दो पेमेंट। पंधाना में भी कुछ व्यापारियों पे कार्रवाई करी है मंडी? हाँ, मंडी द्वारा की गई है। मतलब उनसे भी कुछ मांगा, उनसे भी, अब ये तो मुझे नहीं मालूम है कि मांगा गया है कि नहीं, लेकिन मुझसे मांगा गया जिसकी शिकायत मुझे मेरे द्वारा पुलिस उप निरीक्षक लोकायुक्त को कल की गई थी। आज लोकायुक्त इंदौर ने एक ट्रैप की कार्रवाई की है। कल पुलिस अधीक्षक महोदय को जो है इसके समक्ष ये बोरगांव बुजुर्ग के रहने वाले हैं महेंद्र अग्रवाल जी, इनका मंडी का लाइसेंस है, जो अपने कृषि उपज खरीदी बिक्री का कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि मंडी के जो है कुछ जो सहायक उप निरीक्षक हैं वो मंडी सचिव और एसडीएम मैडम के नाम से जो है इनसे रिश्वत मांग रहे हैं। इन जो पिछले लॉकडाउन में सरकार के द्वारा जो है सभी व्यापारियों को अपने कृषि जो उनका जो केंद्र है उसमें कृषि उपज क्रय करने की अनुमति दी गई थी, इनके द्वारा भी उसमें कृषि उपज
क्रय की गई थी, किंतु 30 जून को इनका ऐसा कहना है कि 30 जून को जो पोर्टल है वो अचानक बंद हो गया, जिससे कुछ जो कृषि उपज इनकी विक्रय करने के लिए रह गई थी उस कृषि उपज को विक्रय करने के लिए इन्होंने फिर से मंडी में अनुमति ली, उसका फिर से टैक्स भरा और उसको विक्रय किया था। अभी कृषि उपज मंडी के सहायक उपनिरीक्षकों के द्वारा इनके गोदाम को चेक किया गया तो उसमें लगभग 141 क्विंटल के आसपास का जो कृषि उपज है वो अतिरिक्त पाया गया था मक्का, जिसमें लगभग इनके द्वारा इनको डराया जा रहा था कि तुम्हें जो है इसमें लाखों रुपए की पेनल्टी लगेगी और सभी लोगों के हिस्से में लगभग 80,000 रुपए की रिश्वत इनसे मांगी जा रही थी। तो ये रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष इनकी शिकायत की थी। कल 13/9/2021 को उस शिकायत पे जो है इनकी रिकॉर्डिंग कराई गई, जिसमें ये जो आरोपी तीनों सहायक उपनिरीक्षकों द्वारा रिश्वत मांगा जाना पाया गया था, जो कि मंडी सचिव और SDM के नाम से रिश्वत मांग रहे थे, और आज अभी मंडी कार्यालय में ही इनके ऑफिस में इनको 13,000 रुपये की रिश्वत देने के लिए आवेदक को भेजा गया था। तो आवेदक के रिश्वत देने के दौरान उनने निवेदन किया कि जो है 1,000 रुपये उसको डीजल के लिए ज़रूरत पड़ेगी कम कर लिए जाएँ, तो 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए अभी रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7-13(1)(b) और IPC 120(b) के तहत अभी हम लोग इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें कितने नाम सामने आएंगे? अभी ये तो विवेचना का विषय है। प्रथम दृष्टया अभी जो है 3 नाम सामने आए हैं, और इसके अलावा जो जो नाम सामने आएंगे तो वो सब विवेचना में शामिल किए जाएंगे। सर, आपका परिचय? मैं DSP प्रवीण सिंह बघेल, लोकायुक्त इंदौर से।